As you all know, that our last topic of discussion was retail value chain. So, now we are going to discuss what are the different aspects of value oriented retail strategy. Normally, we call it VORS. So, the value oriented retail strategy has three aspects which we are going to discuss one by one. The first one is expected, the second one is augmented, and the third one. ज पोटेंशियल सो लेट एस डिस्कस ऑल दीज थ्री पॉइंट्स वन बाई वन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पॉइंट्स हैं दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉइंट्स सो दे आर एक्चुअली मिनिमम वैल्यू चेन पॉइंट जो कि एक कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा होता है किसी भी एक पर्टिकुलर रिटेल स्टोर के हवाले से किसी भी एक रिटेलर से अब लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ इट फॉर एग्जाम्पल बाज़ात ऐसा होता है कि आप एक स्टोर के अंदर जाते हैं और उस स्टोर के अंदर आपके जाते ही देर आर सम मिनिमम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट स्टोर जिस तरीके से बेशक वहाँ का वो क्लीनिंग का इन्वायरमेंट है क्लिनिनेस ऑफ द स्टोर है बेशक वह वहाँ पर लाइटिंग ऑफ द स्टोर है म्यूज़िक इन द स्टोर है बेशक वहाँ का वो एयर कंडीशनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोर है स्टोर का असाटमेंट है स्टोर की प्राइसिंग है सो वट आर द मिनिमम एक्सपेक्टेशन बाय अ कस्टमर वो सारी की सारी जो हैं वो एड्रेस की जाती हैं इस मिनिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू चेन एलिमेंट्स के अंदर तो कस्टमर नॉर्मली जब अगर ये उसकी बेसिक एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है तो एक्चुअली कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन जो है वो नॉर्मली होता है और अगर ये एक्सपेक्टेशंस जो है वो मीट हो रही होती हैं तो इसका मतलब है कस्टमर एक सेटिस्फाइड कस्टमर के तौर पर एक रिटेलर के लिए आता है और बार बार कोर्स वो फिर एक रिपीट कस्टमर जो है वो बनता है मैं अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल जो कि यहाँ पर एक और मैंशेंट है विच इज़ रिलेटेड टू कि एक यंग वुमेन है दैट इज़ एंटिंग इन दीटेल स्टोर है तो नॉर्मली उसका उसके लिए प्राइस पॉइंट जो है वो एक मिड लेवल का प्राइस पॉइंट जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन है एक स्टोर से वो है इसी तरीके से इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं अगेन यहाँ पे क्लियरनेस का पॉइंट मैंशनड है यहाँ पर स्टोर की टाइमिंग के हवाले से है स्टाफ की एजुकेशन लेट से स्किल्ड स्टाफ है इंफॉर्म स्टाफ है दे नो वेल अबाउट देयर प्रोडक्ट्स दे नो वेल अबाउट देयर स्टोर दे नो वेल अबाउट देयर डिपार्टमेंट कौन सी चीज कहाँ मौजूद है किस प्राइसिंग के ऊपर मौजूद है किस फीचर्स के साथ मौजूद है ये एक बेसिक पॉइंट्स हैं बेसिक मेन एक्सपेक्टेशन हैं कस्टमर की एक रिटेलर के साथ अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जो कि हैं ऑगमेंटेड पॉइंट्स अब ऑगमेंटेड क्या है बेसिकली ये वो वैल्यू चेन के पॉइंट्स हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि कस्टमर एक्चुअली एक्स्ट्रा एस्पायर कर रहा होता है मीन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो कि किसी ना किसी तरीके से कस्टमर को एक स्टोर के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं या एक रिटेलर नॉर्मली कस्टमर को प्रोवाइड करता है या एक कस्टमर इन जनरल इस तरह की चीज़ें ऑन टॉप एक्सपेक्ट करता है एक रिटेल स्टोर के साथ बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एक्सक्लूसिव ब्रांड्स के हवाले से इस तरीके से अगर आप किसी रिटेल स्टोर के अंदर जाएं और उस रिटेल स्टोर क्या अपना ओन ब्रांड हो लेट्स एक्न एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान के अंदर हाइपरस्टार की तो दे हैव देर ओन ब्रांड फर्स्ट के नाम से सी में सी के अपने नाम से यूटिलिटी स्टोर में यूटिलिटी स्टोर्स के नाम से मेट्रो में ओके okay, और मे बी इसके अलावा और डिफरेंट ब्रांड के नाम से फ़ाइन फूड के नाम से फ़ाइन लाइफ के नाम से तो ये डिफरेंट ओन ब्रांड्स हैं जो कि उस पर्टिकुलर ब्रांड के उस पर्टिकुलर रिटेलर के ओन ब्रांड्स हैं तो ये दिस इज़ वन ऑफ दी ऑगमेंटेड एलिमेंट इसी तरीके से हमारे पास लॉयल्टी कार्ड्स के हवाले से बात करता है जिस तरीके से अगर आप स्टाइल हो जाएं अगर आप खा डी जाएँ सो यू विल फाइंड द लॉयल्टी कार्ड्स या यू विल फाइंड द पॉइंट कार्ड्स ये वो हैं जो कि कस्टमर को अपने पास इंगेज करने के लिए हैं अब ये एक एक्सपेक्टेशन नहीं है नॉर्मली कस्टमर की लेकिन दे आर कंसिडर टू बी दी ऑगमेंटेड पॉइंट्स ऑगमेंटेड वैल्यू चेन पॉइंट्स इसी तरीके से डिलीवरी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स इसी तरीके से पर्सनल सर्विसेज इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स तो ये सारे वो मेजर पॉइंट्स हैं जो कि ऑगमेंटेड वैल्यू चेन पॉइंट्स के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं और कस्टमर के लिए अगर आप कस्टमर को ये देते हैं कस्टमर इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट समझता है एक्स्ट्रा एडवांटेज समझता है अपने लिए और एक रिटेलर के लिए अच्छी कनेक्टिविटी क्रिएट होती है अपने कस्टमर के साथ इसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ तो वो हैं पोटेंशियल वैल्यू चेन एलिमेंट्स ये वो नॉर्मली पॉइंट्स हैं ये वो नॉर्मली एलिमेंट्स हैं जो कि आपको कम्पैटिटिव एडवांटेज देते हैं ओवर योर कॉम्पिटिशन और जनरली दे आर नॉट बीन फॉलोड बाय द कम्पैटर यानी कि एक्सेप्टेबिलिटी और द फॉलोइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर लेस विद द कॉम्पिटिशन जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं रिटर्न पॉलिसीज़ हैं रिफंड पॉलिसीज़ हैं जो कि नॉर्मली अगर आप रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ हैं इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज़ हैं ये वो डिफरेंट तरह की पॉइंट्स हैं जो कि नॉर्मली होते हैं और कस्टमर इन जनरल ये पॉइंट जो हैं ये ऑन टॉप हैं और नॉर्मली कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा होता आज के दिन में सेम डे डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है ड्रोन के थ्रू डिलीवरी का कॉन्सेप्ट है और मे भी इसके अलावा लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटीज कस्टमर को फ्री हैं तो ये वो फैसिलिटीज़ हैं अगेन ये वो पॉइंट्स हैं जो कि एक पोटेंशल वैल्यू चेन एलिमेंट पॉइंट्स के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी फॉर एक्जाम्पल ट्वेंटी फोर बाय सेवन का कॉन्प्ट है कि स्टोर्स आर अवेलेबल ट्वेंटी फोर बाय सेवन और अगेन दिस इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द की पॉइंट्स तो मैंने यहाँ पर आपके सामने तीन एस्पेक्ट डिस्कस किए हैं जो कि वैल्यू ऑरिएटेड रिटेल स्ट्रेटजी को वी ओ आर एस को रिफ्लेक्ट करते हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू चेन पॉइंट्स हैं कुछ ऐसे हैं जो ऑगमेंटेड हैं और तीसरे जो हैं वो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं तो एक रिटेलर को क्या करना है उसको इन सारी बातों को इन तीनों एस्पेक्ट्स को अपने सामने रखना है और फिर अपनी रिटेल स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करना है फॉलो करना है इम्प्लीमेंट करना है और जहाँ पर जरूरत पड़े उसको रिव्यू करके उसको फिर उसने दोबारा से करेक्ट करना है एडजस्ट करना है एंड अगेन इम्प्लीमेंट करना है एंड दैट विल क्रिएट अ गुड सक्सेस स्टोरी फॉर हिम